हेलो फ्रेंड्स, आइए अब हम माइक्रो कंट्रोलर 8051 के फीचर्स देखेंगे। माइक्रो कंट्रोलर 8051 बेसिकली ये एक 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है और इस माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। एम्बेडेड डिवाइस बनाने के लिए इस माइक्रो कंट्रोलर 8051 का यूज किया जाता है। तो आपके सामने में इसके फीचर्स लिखे हैं, हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे फर्स्ट देखिए, नंबर वन, 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। इसे 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर बोला जाता है क्योंकि इसका डेटा बस और ALU 8 बिट का होता है। इसमें 8 बिट का डेटा हम एक वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन ट्रांसफर भी करते हैं, साथ में दो 8 बिट के नंबरों के बीच में हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU के अंदर किसी तरह का कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन। तो मैक्सिमम डेटा प्रोसेस करने की जो कैपेसिटी है इसकी वो है 8 बिट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। सेकेंड, इट इज अ हार्डवेयर हार्वर्ड आर्किटेक्चर, ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर से मिल के बनाया हुआ है एंड इट इज कॉल्ड सिस्क इंस्ट्रक्शन सेट। ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट है जो कि इसका इंस्ट्रक्शन सेट कॉम्प्लेक्स है जो डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट इज डेवलप्ड बाय यूजिंग एनमॉस टेक्नोलॉजी, ये एनमॉस टेक्नोलॉजी से मिलकर बनाया गया है। इट हैज 4KB ऑन चिप प्रोग्राम मेमोरी मींस रॉम, तो इसके अंदर इनबिल्ट 4KB का इनबिल्ट रॉम है जहां पर हम प्रोग्राम स्टोर करते हैं और वो प्रोग्राम रॉम से निकल के माइक्रो कंट्रोलर में एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन ये मेमोरी 4KB की इनबिल्ट मेमोरी है जिसे हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, यानी कि एक्सटेंड या कम नहीं कर सकते। ये इनबिल्ट है, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आती है और ये वन टाइम राइटेबल होती है रॉम। रॉम मेमोरी, एक बार आपने इसके अंदर प्रोग्राम स्टोर कर दिया तो फिर आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। फिर बाद में कुछ समय के बाद इंटेल ने 8051 में नया वर्जन लॉन्च किया जिसमें यहाँ पर 4KB का रॉम की जगह EEPROM यूज किया गया। EEPROM रीराइटेबल मेमोरी होती है, आप उसमें एक बार अगर प्रोग्राम स्टोर कर देते हैं तो आप फ्यूचर में उसमें कोई चेंजेस करना चाहे तो चेंजेस भी कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी प्रोग्राम बनते हैं इस प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर किया जाता है, इसलिए इसको प्रोग्राम मेमोरी बोलते हैं जिसका साइज है फिक्स 4KB। इट हैज अ 128 byte ऑन चिप डेटा मेमोरी, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर एक 40 पिन की आईसी 8051। इस 40 पिन की आईसी के अंदर ही रैम है और ये रैम का साइज है 128 byte। बेसिकली ये 128 byte को हम तीन सेक्शन में डिवाइड करते हैं और उसमें कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, कुछ बिट एड्रेसेबल लोकेशंस होते हैं और कुछ यूजर पर्पस लोकेशन होते हैं। तो इस तरह से 128 लोकेशंस को हम इंटरनल रजिस्टर्स के फॉर्म में भी यूज करते हैं। तो काफी यूजफुल मेमोरी है ये 128 बाइट का ऑन चिप रैम बोला जाता है इसको। इट इज कॉल्ड डेटा मेमोरी, जहां हम इसके अंदर जनरल डेटा भी स्टोर करते हैं एंड इट इज अ रैम, रीडिंग राइटिंग दोनों हो सकता है इसमें। 8 बिट डेटा बस है इसमें और 8 बिट का ALU है, इसीलिए इसे 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर बोला गया है। 8 बिट डेटा बस D7 टू D0 डेटा को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करने के लिए होता है। 8 बिट का ALU है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, बट मैक्सिमम 8 बिट का साइज होना चाहिए डेटा का। 16 बिट का एड्रेस बस है इसमें, A15 टू A0। इट मींस माइक्रो कंट्रोलर से हम अगर एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस करते हैं या कोई IO डिवाइस इंटरफेस करते हैं तो उसके लिए यहां पर मेमोरी के लिए 16 बिट का एड्रेस यूज हो रहा है, A0 टू A15। और इसी एड्रेस बस के थ्रू हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसके साथ में कितनी साइज का मेमोरी इंटरफेस किया जा सकता है। तो मैक्सिमम एक्सटर्नल मेमोरी कैन बी कनेक्टेड, यहां ध्यान रखिएगा एक्सटर्नल मेमोरी यानी कि माइक्रो कंट्रोलर के बाहर। माइक्रो कंट्रोलर क्योंकि एक 40 पिन की आईसी है, इसके अंदर हमने देखा है दो मेमोरी होती है, इनबिल्ट रॉम होता है, इनबिल्ट रैम होता है। लेकिन अगर हमको ये मेमोरी कम पड़ जाती है, इनकेस रैम या रॉम कम पड़ती है, तो आप एक्सटर्नली मेमोरी कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो कितना मैक्सिमम कनेक्ट कर सकते हैं ये एड्रेस बस के ऊपर डिपेंड करता है। एड्रेस बस है 16 बिट का, तो इसलिए कैलकुलेशन सिंपल सा बनता है कि मैक्सिमम मेमोरी कैन बी कनेक्टेड 2 to the power 16 इज इक्वल टू 64 KB। 64 किलोबाइट का मतलब होता है 65,536 byte। इतनी मेमोरी हम लोग एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, या रैम लगा सकते हैं या फिर रॉम लगा सकते हैं, आप दोनों लगा सकते हैं। तो 4 IO ports ऑफ 8 बिट ईच अवेलेबल, 4 IO ports। तो यहां पर 4 IO ports है। माइक्रो कंट्रोलर वैसे 40 पिन की आईसी है और उस 40 पिन में से 4 IO port है, हर एक का साइज है 8 बिट यानी 8 पिन है, तो टोटल हो जाएंगे 32 pins। तो 32 pins सिर्फ IO डिवाइस के लिए कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन ये मल्टीपल यूज पिन होती है। कुछ पिन जो है इसमें से मल्टीपल यूज का मतलब है कि वही पिन IO डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है और वही पिन कुछ सिग्नल्स को ट्रांसफर करने के लिए भी यूज होता है, जिसे मल्टीप्लेक्स पिन भी बोला जाता है।
तो फोर आईओ पोर्ट्स ऑफ 8 बिट ईच अवेलेबल, तो आईओ डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन के लिए 4 IO पोर्ट्स दिया हुआ है। 3 इंटरनल एंड 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट्स आर अवेलेबल। इंटरनल का मतलब है कि माइक्रो कंट्रोलर के इंटरनली हम लोग उसमें चेंजेस करके एक इंटरप्ट्स जनरेट करते हैं और माइक्रो कंट्रोलर से कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, या फिर आप बाहर से किसी एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर को इंटरप्ट सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इंटरनली 3 ऑप्शंस है अवेलेबल और एक्सटर्नली 2 ऑप्शंस है जहां से माइक्रो कंट्रोलर को इंटरप्ट कर सकते हैं। अगर माइक्रो कंट्रोलर इंटरप्ट होता है तो डेफिनेटली वो म्यूपीएफ मेन प्रोग्राम जो रन कर रहा था उसको स्टॉप करके एक सब प्रोग्राम रन करेगा, तो उसके लिए इंटरप्ट ऑप्शन है। तो टोटल 5 इंटरप्ट्स है, 3 इंटरनल एंड 2 एक्सटर्नल, और इनका सीक्वेंस है जिसमें प्रायोरिटी वाइज होती है। जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी माइक्रो कंट्रोलर उसके लिए सब प्रोग्राम रन करेगा, जिसकी प्रायोरिटी लो होगी माइक्रो कंट्रोलर उसको लेट सब प्रोग्राम रन करता है। अगर 2 या 2 से ज्यादा इंटरप्ट एक साथ आते हैं तो म्यूपी देखता है कि किसकी प्रायोरिटी हाई है। तो हम इसे इस टॉपिक को भी डिटेल में आने वाले आगे देखेंगे। 2 16-बिट टाइमर है इसमें। तो माइक्रो कंट्रोलर में 16 बिट के 2 टाइमर होते हैं। टाइमर का बेसिकली यूज क्या है? टाइमर डिले जनरेट करने के लिए या इंटरप्ट जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए, जब कभी कोई डिवाइस हम लोग ऐसा डेवलप करते हैं जहां पे हमें टाइमर की एक गैप की देने के टाइम गैप देने की जरूरत पड़ रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर आप जो लाइट देखते हैं वो हर 1 सेकेंड के बाद चेंज हो रहा है, तो वहां पर टाइमर लगा हुआ है। या फिर आप देखते हैं कि ग्रीन लाइट फॉर एग्जाम्पल अगर वो 60 सेकेंड्स के लिए है तो 60 सेकेंड या 25 सेकेंड्स के लिए है तो 25 सेकेंड्स के बाद वो येलो हो जाता है और येलो होने के बाद फिर वो रेड हो जाता है। तो उसका सबका टाइम डिफाइन करके रखा है कि ग्रीन कितने देर होना चाहिए, फिर येलो कितनी देर होना चाहिए और रेड कितनी देर रहना चाहिए। तो वो टाइमर की हेल्प से हम लोग ये अचीव कर पाते हैं। तो इसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट टाइमर है जिनका साइज है 16 बिट। इट मीन्स इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हम काउंट की रख सकते हैं 1 एंड सबसे लार्जेस्ट वैल्यू रख सकते हैं 65536। ऐसा टोटल मैक्सिमम काउंट हम रख सकते हैं, मिनिमम से मैक्सिमम काउंट। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग क्लॉक फ्रीक्वेंसी 11.0592 MHz। ये स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी जो जनरली हम लोग ये स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के दौरान हम इसे यूज करते हैं। इसके थ्रू परफेक्ट कैलकुलेशन भी हमें मिलता है, परफेक्ट सीरियल डेटा ट्रांसमिशन का रेट मिलता है हमें। रेट ऑफ ट्रांसमिशन लेने के लिए हम इस फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे। लेकिन वैसे माइक्रो कंट्रोलर सपोर्ट करता है 1 MHz से लेकर 12 MHz तक सपोर्ट करता है। आप कम फ्रीक्वेंसी अगर इनपुट लगाते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर की स्पीड थोड़ा डाउन होगा और कैलकुलेशन में थोड़ा सा समय लगेगा। स्पीड जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो म्यूपी की काम करने की स्पीड भी बढ़ती है, कैलकुलेशन बढ़ता है। तो ये ऑसिलेटर हमें इंटरफेस करना होता है माइक्रो कंट्रोलर के साथ। ऑसिलेटर इंटरफेस करने के साथ हम इसमें ये इतनी फ्रीक्वेंसी हम स्टैंडर्डली रिसीव करते हैं जिसके ऊपर माइक्रो कंट्रोलर अपने टास्क परफॉर्म करेगा। इसके अलावा माइक्रो कंट्रोलर को जो पावर सप्लाई लगता है वो एज कम्पेयर टू इसके अर्लियर वर्जन ये कम पावर सप्लाई के ऊपर वर्क करता है। हम लोग इसको 5 वोल्ट DC सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और एक ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू माइक्रो कंट्रोलर वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से हमने देखा ये बेसिक फीचर्स जो माइक्रो कंट्रोलर 8051, ये 8051 इंटेल की बनाई हुई कंपनी है, इंटेल ने इसको प्रोडक्ट डेवलप किया। फिर उसके बाद में इसके कॉपीराइट्स अलग कंपनियों को भी मिले गए, उन्होंने भी इस प्रोडक्ट को डेवलप करना स्टार्ट किया। इनकी कुछ फैमिली है, फैमिली मीन्स इनके जनरेशन है कि पहले कौन सा माइक्रो कंट्रोलर डेवलप हुआ, फिर उसके बाद किस तरह से डेवलप होते गए हुआ, वो भी हम देखेंगे। तो इस तरह से ये फीचर्स 8051 के।